एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की साद एर्दोगान करेंगे रूसी सदर पुतिन से बात। इतवार को हो सकती है दोनों लीडरान के दरमियान बातचीत। एर्दोगान के तर्जुमान ने इस बात की जानकारी दी है। फरीकेन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है रूस। यूक्रेन लीडरान की मेजबानी की पेशकश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तुर्की यहाँ एक अहम किरदार अदा कर सकता है अगर वो कामयाब होता है। बातचीत के लिए तुर्की सदर एर्दोगान रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे, ये खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इतवार को दोनों लीडरान के बीच बातचीत हो सकती है। एर्दोगान के तर्जुमान ने इस बात की जानकारी दी है। फरीकेन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया है। वाजह रहे कि रूस यूक्रेन जंग का आज 10वां दिन है और जंग रोकने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक ये बातचीत बेनतीजा इसलिए रही है क्योंकि जंग अभी भी जारी है। हालांकि मारियोपोल इलाके में सीज फायर का ऐलान किया गया 5 घंटे में, लेकिन वहां से भी इसके खिलाफवर्जी की खबरें सामने आ रही हैं।